अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम हो गया आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मैं आज रिव्यू करूँगी सनब्लॉक का, जो रिवॉज़ यूके कंपनी का सनब्लॉक है उसका मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये टू टाइप के सनब्लॉक हैं। यूके रिवॉज कंपनी के ये दोनों सनब्लॉक आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये अलग अलग पैकेजिंग में आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक मैंने यूज़ किया है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और दूसरा ये 60 SPF PH 100 ml का सनब्लॉक है। इसको मैंने 3 months से यूज़ किया है, मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग लगे, तो इसलिए मैंने आपसे भी ये वीडियो शेयर की। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इसका रिव्यू दे दूं, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि ये सनब्लॉक काम नहीं करता। कुछ लोग कह रहे थे कि इस सनब्लॉक का कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट ऐसे ही ग्रीसी लुक देता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने ये जब यूज़ किया, शायद मेरी स्किन पर ये सूट कर गया। मैंने ये यूज़ किया तो मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग मिले, और मैंने 3 months से ये सनब्लॉक यूज़ किए। मुझे तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे लगे, और इसीलिए मैंने दूसरा भी परचेज़ किया है। लेकिन ये है सेम ही, ये न्यू इनकी पैकेजिंग आई है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर न्यू भी लिखा हुआ है। ये न्यू मतलब इनका पैकिंग जो होती है ना, वो न्यू आई हुई है इनकी। ये भी 60 SPF PH है, लेकिन इसकी पैकिंग थोड़ी अलग है, बाकी सेम है। मैं तो कहती हूँ ये दोनों ही सेम है, मुझे कोई इनका फ़र्क नहीं लगता। ये दिखने में कुछ ऐसा है वाइट वाइट, और लगाने के बाद भी ये बहुत ग्लोइंग स्किन बना रहता है। इतना प्यारा इसका जो सॉफ्ट, मतलब इतनी ज़बरदस्त इसकी कवरेज है ना, मैं कह रही हूँ कि अमेजिंग यार, अमेजिंग। मैं ऐसे हाथ में लगा रही थी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अप्लाई करूँ। और जो दूसरा इनका है जो मैंने अभी परचेज़ किया है न्यू, इस मुझे लगा था कि ये न्यू जो सनब्लॉक है इसमें थोड़ी इनकी अलग होगी, चेंज होगा इसमें जो इसका फार्मूला है, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं चेंज। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपके सामने ये मैंने ओपन किया है, देख सकते हैं आप। मतलब मुझे तो वो इस पहले वाले से मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये लगाने के बाद इतना ही ग्लोइंग स्किन हो जाती है, इतनी ग्लो आती है फेस में कि मैं क्या ही बताऊं। और ये थोड़ा थोड़ा ऑयली ऑयली सा है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए मैं तो कह रही हूँ बेस्ट है बेस्ट, और ऑयली वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ड्राई स्किन वाले लगा रहे हैं तो आपने ड्राई स्किन वाले लगा के पहले मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, फिर ये सनब्लॉक लगाएंगे, और ऑयली स्किन वाले लगाएंगे तो जस्ट सनब्लॉक ही लगाएंगे। मेरे लिए ये बेस्ट है, आप भी इसको परचेज़ करें। मेरे स्किन पर सूट कर गया, इसलिए मैंने इसका हॉनेस्ट रिव्यू दिया है आप लोगों को। अब आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी स्किन है आप पर सूट कर जाए या नहीं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।